क्या होगा अगर आप लोग अपने दोस्तों के साथ एक कैंपिंग ट्रिप पे जाएं और वहीं आपके ऊपर एक भूत अटैक कर दें। तो एक बार हम फिर से इस गेम की बस में। यार तुम लोग एक चीज नोटिस करो कि मेरे कंधे पे एक सांड बैठा है, एकदम लाल लाल कलर का। अरे यार तुम लोग हटो ना, देखो एकदम लाल लाल कलर का एकदम सांड बैठा है, आप लोग देख ही सकते हैं। ये कोई तरीका है भीख मांगने का? पर इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये देख लेते हैं कि पिछली वीडियो में हमें क्या हुआ था, कि हमें इसका पार्ट टू करना पड़ रहा है। अरे बॉटम मैं फंस गया, बाप रे जल्दी से मुझे पिकनिक बास्केट लेनी है, मुझे टेंट में छुप जाना चाहिए। नहीं, मैं मर गया। कोई बात नहीं, हम तो दोबारा ट्राई करेंगे। मुझे वो पुरानी यादें सुन के याद करके बहुत गुस्सा आता है। चलो कोई नहीं, तो आखिरकार हमारा गेम लोड हो चुका है। चलो हम लोग फिर से उसी जंगल में आ चुके हैं, जिस जंगल की एकदम बरसात वाली रात को हम लोग मर गए थे। तो इस जंगल को आप बिल्कुल अच्छा मत समझिएगा, मेरा यकीन कीजिए बहुत बड़ा जंगल है, मतलब कुछ भी। लेट अस सर्च फॉर द सम यूजफुल आइटम्स इन द फॉरेस्ट। यहाँ पत्थर है मैंने किस काम का है, तो मैं इसको राउंड कर चला गया और थोड़ा छानबीन करते हैं। ओ गाइस, मुझे सामने वो पॉन्ड दिख रहा है, चलो उसमें नहाएंगे। हम लोग यूजफुल आइटम्स फॉरेस्ट में ढूंढने आए थे, और तब से मैं यहाँ तालाब में नहाने में लगा हूँ, क्योंकि मैं घर से नहा के आया, क्योंकि मैं गरीब हूँ। भाई साहब इतनी देर तो रात होने में लग गई, पता नहीं मैं कम से कम 20 मिनट से बैठा था यहाँ, अभी तक रोब्लॉक्स में रात नहीं हुई। चलो अब आखिरकार रात हो गई, अब हम लोग बीच में बैठ के कहानियाँ सुनाएंगे। तो ये बात है 1900। भाई मैं चुप हूँ, चुप हूँ, तुम ही लोग कूद फांद लो हर जगह। सब लोग भागो भाई, भूत आ गया वही वाला। भाई आखिरकार वही बारिश का मौसम, अब हम लोग को वही वापस से गुफा मिल गई है। अब हमें अनटिल मॉर्निंग इंतजार करना है। हम इतनी इतनी देर तक फिर से 20 मिनट तक करेंगे क्या फिर? हाँ कितनी अच्छी सुबह है ना भाई, सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? नहीं चलो बहुत हो गई ड्रामेबाजी। चलो वहाँ दो लोग खड़े हैं, तो ठीक है वहाँ दो लोग खड़े हैं, लेकिन अभी तक हम जा नहीं पा रहे हैं, पता नहीं क्यों। भाई साहब हमारे पार्क रेंजर डैनियल की शक्ल तो देखो। It was at this moment he knew he fucked up. तो अब इन भाई साहब की ये प्रॉब्लम है कि ये भेड़ है या फिर जो भी है ये मर गई, और इनको बिलीव होता है कि एक ये भालू ने की है। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमें क्यों अनाउंस किया ये सब? सो भाई लोग आपको इतनी वीडियो देखना वेस्ट है आपके टाइम का, सो वीडियो को तो रिकॉर्ड करते हैं और इस दिन की नाइट की तरफ ही बढ़ते हैं सीधा। गाइस आज भी एक बरसात, आज भी बहुत ही ज़्यादा बरसात हो रही है इस रात को, और एक नूब के पास अम्ब्रेला है, पता नहीं मेरे पास क्यों नहीं है। कॉज आई डोंट हैव रोबक्स, तभी तो मैं रोब्लॉक्स में गरीब हूँ। तो गाइज वही वाला समय आ गया जिसमें मैं उस टाइम मर गया था। अब इस रूम के पास छाते तो यही बाहर ये जाएगा, हमने इसको धक्के मार मार के निकाला। नूब तुम्हें चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास अम्ब्रेला नहीं है, तो तुम्हारे पास अम्ब्रेला है तो तुम बारिश में बच सकते हो। कितनी बड़ी IQ वाली बात की है मैंने, समझ रहे हो? Cheers, clap for our noobra.
वाह नूबड़े, तूने तो कमाल ही कर दिया, तूने पिकनिक बास्केट ले आई जो मैं पिछले पार्ट में कर नहीं पाया। लेकिन मैं सैंडविच को थोड़ी देर बचा कर रखता हूँ, कंजर्व कर लेके रखता हूँ, क्या पता हम लोग इस केव में ही फंस जाएं, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। लेकिन मुझे सच में नहीं पता था कि फ्यूचर में इससे भी बुरा होने वाला है। मैंने तो अपना सैंडविच खाया नहीं, तो देखते हैं अब कौन पॉइजन हो गया है। अच्छा हुआ मैंने अपना सैंडविच खाया नहीं, अच्छा हुआ मैं बच गया, दूसरा नहीं मिला। आखिरकार मैंने यहाँ तक तो सरवाइव कर लिया, अपने पिछले रिकॉर्ड से तो ज़्यादा मैंने अपना सरवाइव कर लिया। मैं उसकी लाश पे नाचूंगा, लेकिन लाश से पहले उसकी लाश गायब हो गई, तो अब थोड़ी देर और वेट करते हैं सुबह होने का। भगवान ने मेरी कैंपिंग ट्रिप पे कोई अच्छा मोमेंट लिखा ही नहीं है, वहाँ भूत भी घुसेड़ दो, केव भी टूट गई वो भी घुसेड़ दो, अब हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? अब हमें नया वे फाइंड करना है, सब पत्थर ही पत्थर से गिरे हुए, कैसे तोड़ें, कैसे मतलब भागें। तो हम ओके, हमें एक सीक्रेट रास्ता मिल गया, लेकिन इसमें दो दो रास्ते, पता नहीं कौन सा सही रास्ता है, पता नहीं कोई ट्रैप भी हो सकता है। चलो जिसमें नूबड़ा गया उसी में चलते हैं। अरे मैं लेट क्यों गया, चलो हम लोग बच गए आखिरकार। ओ अचानक से वो भूत आ गया था। अच्छा तो नीचे एक रास्ता एक और है, तो ठीक है। अब हमें यहाँ क्या करना है, ये दरवाज़ा खुलेगा क्या और हमें एंट्रेंस तक ले जाएगा? ओ माय गॉड, इसमें केव, इस केव में बेयर्स हैं और ये एक और केव है, केव के अंदर ही केव। अब हमें यहाँ स्पीड रन अपना टैलेंट दिखाना पड़ेगा। सो मैं गाइस इस तीसरे दिन का आखिरी सर्वाइवर हूँ, और देखिए कितने खून की ड्रॉपलेट्स और बूंदे, और देखिए इस टेंट के अंदर कितनी, और रेस्क्यू टीम कल अराइव हो रही है, और हमें एक और रात सर्वाइव करना होगा। और उस टेंट के अंदर आपने देखा कितने खून के निशान थे, और देखिए कितने खून के धब्बे हैं और कितने बियर बेर के निशान, और ये काला काला कुछ खून निकल रहा है इससे, पता नहीं क्या हो सकता है। हम लोग थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है इस पॉइंट पे कि अब मैं पूरा अकेला हूँ, कोई अगर कंपेनियन भी होता है पास साथ में ओनली विद हाफ HP तो भी ठीक था, लेकिन मैं अब बिल्कुल अकेला हूँ इस गेम में, और अब पता नहीं मेरे साथ वो भूत क्या कह ढाएगा। अब सीधा मिलते हैं आपको रात में ऑफ दिस लास्ट डे। जे रात को सीरियसली दिन से भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है कोई मेरे टेंट या फिर कैंप साइट के आसपास ही है, मुझ पर नज़र रख रहा है, मुझे बहुत ज़ोर से डर लग रहा है, पता नहीं वो भूत मेरे ऊपर कब अटैक कर दे, मुझे मार दे। इस टेंट के अंदर भी इतने खून के धब्बे हैं, मुझे देखने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, लेकिन क्या करूँ, यही तो हमारी कैंप साइट है। वो केव भी पूरी बंद हो चुकी है, हमें हमारे पास टेंट के अंदर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं, अगर आज भी बारिश होती है तो इस रात को भी। लेकिन इस कैंप फायर के पास ही रहना सबसे ज़्यादा मुझे सेफ लगता है, क्योंकि ये जल रही है और इसके आगे लाइट है, कम से कम मुझे दूर से आते हुए कोई दिख तो जाएगा। मुझे बहुत सीरियसली डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कोई मुझे देख रहा है, वो भी लाल लाल आँखों से, आपको घोष तो पता ही होगा उसकी लाल लाल आँखें हैं, तो मुझे बहुत डर लग रहा है। वैसे ये सीरियसली गेम है
लेकिन मुझे बहुत जोर से डर लग रहा है। मन कर रहा है मैं अभी ये गेम छोड़ दूँ। चलो फिर से रेन होने लग गई। अब हमें फिर से टेंट में जाना पड़ेगा क्योंकि केव तो पूरी ब्लॉक हो चुकी है। चलो टेंट को बंद कर लेते हैं। एक मिनट, ये क्या लिखा है? वॉट वॉज रिटन ऑन दैट ब्लड स्टेन? वॉट वॉज रिटन ऑन दैट ब्लड स्टेन? मैं आपको गेम की ऑडियो टर्न ऑन करके सुना दूं, आपको सच में सीरियसली लगेगा बहुत ज़्यादा डर। कमेंट डाउन में बिलो, सबसे ज़्यादा आपको क्या किससे डर लगा? इस गेम की नॉइजेस से या फिर उस भूत से? कमेंट डाउन इन कमेंट्स। ये क्या मैसेज आ गया? अरे ये कौन सा मैसेज है? इसका मीनिंग क्या है? पता नहीं मुझे इसका क्या मीनिंग है। स्ट्रेंज डार्कनेस मतलब क्या? अरे ये क्या है? स्ट्रेंज डार्कनेस का मतलब ये था? बाप रे, एकदम ऐसा लग रहा है कि काला पानी आ रहा है। अब पता नहीं इसके बाद क्या हो गया कि अब भूत मेरे सामने आ गया, मैं पीठ पीछे वार करेगा। पता नहीं, भूत तो वैसे पीठ पीछे वार नहीं करते। वैसे ही पिछली बार मैं भूत से नहीं मरा था, मैं अपनी ही बेवकूफ़ी से मरा था। तो ठीक है, देखते हैं क्या होता है। हम बचते हैं, मरते हैं, हम गेम के एंड तक पहुंचते हैं या फिर नहीं। लेट अस वेट फॉर वन मोर टाइम। अरे अरे नहीं 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 नहीं, खोल नहीं। बाप रे, इसको कितना डरावना चेहरा था यार। गाइस कमेंट डाउन में बोलो, घोस्ट का चेहरा डरावना था या घोस्ट ही पूरा डरावना था? क्योंकि मुझे तो सबसे ज़्यादा उसका चेहरा डरावना लगा। सो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट करिएगा कि मैं फिर से क्या इसका अगला पार्ट लाऊं या नहीं लाऊं, या फिर इसकी ट्रू स्टोरी लेकर आऊँ। सो कॉमेंट डाउन मी बिलो एंड लाइक दिस वीडियो, और इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए, और उनको भी कहिए कि वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं आपको इस अगली वीडियो में। टिल देयर टेक केयर एंड बाय बाय।